जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन की पेड क्लासेस में। आज रीजनिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। सो काफ़ी इजी सा चैप्टर मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का। और ये जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर का चैप्टर है, ये बिल्कुल फुल आपको चैप्टर जो है वो बेसिक से मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। आपको कोई भी यहाँ पे जो है वो डाउट नहीं रहने वाला है। साथ में आपको जो है वो यहाँ पे बोर्ड मास का जो है वो पता होना चाहिए। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अकॉर्डिंग हम किस सिंबल को पहले सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में हम इसका यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न आप सबके सामने है, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो पहले बिल्कुल आराम से करके बताऊंगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये देखिए, आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो मैंने लिखा 15 माइनस के 6, उसके बाद है प्लस के 10 गुणा 3, और भाग है आपके पास 2। ये चीज आपके पास क्वेश्चन में दी गई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको डायरेक्ट आपने सॉल्व नहीं करना है। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपके पास कुछ क्वेश्चन में ऊपर डिटेल में कुछ दिया गया है, पहले आपको वो रीड करना है, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। आपका आंसर जो है वो आपका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मैथ का क्वेश्चन नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है किसका? रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में आपको क्या बोला जाएगा? आपके जो सिंबल है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आपको क्या बताता है, इसमें जो आपके सिंबल है यानी कि ये जो आपका प्लस है, माइनस है, ये जो गुणा है, ये जो भाग है, इन सारी की सारी चीजों को आपको क्या करना है? चेंज करना है। अब चेंज कैसे करना है? अपनी मर्जी से आपको चेंज नहीं करना है। जो सिंबल जिस नए सिंबल में चेंज करने को बोला जाए, सिर्फ वही आपने यूज में करना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, माइनस जो है वो किसको शो कर रहा है? मल्टीप्लाई को। इसका मतलब है कि ये जहां पे ये जो माइनस है, इस सिंबल को आपने क्या बना देना है? मल्टीप्लाई बना देना है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करके बताता हूँ कैसे आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये देखिए, माइनस को क्या बोला गया है? मल्टीप्लाई। तो आप ने क्या लिखा यहां पे? क्वेश्चन लिखा 15। क्वेश्चन में क्या था? इस माइनस को क्या बनाना है? आपने माइनस को बनाना है मल्टीप्लाई, तो गुणा आ गया। उसके आगे क्या चीज है? उसके आगे है 6, 6 के आगे है प्लस। तो देखिए, प्लस को क्या बोला गया है? प्लस को बोला गया है, ये जो प्लस है, प्लस किसको शो कर रहा है? डिवाइड को शो कर रहा है। तो प्लस की जगह क्या भर देंगे? डिवाइड भर देंगे। उसके बाद प्लस हो गया, उसके बाद है आपके पास इनटू। इनटू किस चीज को शो कर रहा है? माइनस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इनटू की जगह क्या भर दूंगा? माइनस। उसके बाद है 3/2, तो 3 एज इट इज। भाग किस चीज को शो करता है? भाग को देखिए, भाग किस चीज को शो करता है? प्लस को। तो भाग की जगह प्लस, और यहाँ पे आ गया 2। अब आपके पास ये एक पैटर्न बना। इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और कौन से मेथड से? बोर्ड मास के मेथड से। बोर्ड मास क्या है? बोर्ड मास आपको एक सीक्वेंस बताता है कि पहले जो है वो ब्रैकेट ओपन होगी, उसके बाद का वाली टर्म या फिर ऑफ वाली टर्म, उसके बाद डिवाइड वाली टर्म, फिर आपके पास मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और लास्ट में क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो आपके पास एक सीक्वेंस बताई गई है कि आपको इसी सीक्वेंस में यहाँ पे करना है। तो आपको, आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन जो है आप सभी की यहाँ पे स्ट्रांग है, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ से आपका मैथ का पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन और साथ में रीजनिंग का, मैथमेटिकल ऑपरेशन का चैप्टर, दोनों के दोनों आपके साथ में ही कवर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये है मेरे पास 15, उसके बाद है गुणा, उसके बाद है 6। डिवाइड मेरा एज इट इज नहीं होगा, तो डिवाइड को मैं क्या करता हूँ? नीचे लिख लेता हूँ, माइनस के 3 और प्लस के 2। अब इस चीज को मैं सॉल्व करूंगा तो 5 से कट जाएगा मेरा 3 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 3 × 3 कितने हो गए? 9। आगे है माइनस के 3 और प्लस के 2। अब डायरेक्ट बोर्ड मास लगाएं या फिर प्लस माइनस में आप किसी भी सिंबल को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।
आपकी चॉइस है, 9 में से 3 गए 6, और 6 और 2 कितने हो गए 8। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, 8 जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आपको कैसे इस मेथड को सॉल्व करना है, आपको डायरेक्ट जल्दी से क्वेश्चन लिखना है, सिंबल नहीं लिखने हैं आपको, जैसे 3, 12, फिर माइनस के 40, फिर प्लस के 5 और फिर गुणा के 20, जल्दी से आपने लिख लिया। उसके बाद जहां पे पहला सिंबल क्या है, डिवाइड, डिवाइड को देखिए, डिवाइड को क्या बोला है माइनस, तो यहाँ पे माइनस। उसके बाद माइनस को क्या बोला है, माइनस को बोला है प्लस। आपने एक चीज और ध्यान में रखनी है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्लस जो है वो हमेशा माइनस में चेंज होगा, माइनस हमेशा जो है वो प्लस में चेंज होगा, ये क्वेश्चन में जो आपको है वो बताया होगा, तभी आपको जो है वो उस तरीके से चेंज करना है। उसके बाद है प्लस, प्लस का सिंबल है आपका मल्टीप्लाई में, और उसके बाद मल्टीप्लाई को क्या बोला है, मल्टीप्लाई को आपको बोला है डिवाइड, तो यहाँ पे आपका आ गया डिवाइड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जल्दी से, ये आपने लिखा 3 - 12 प्लस के 40 गुणा 5 और डिवाइड हमारा कहाँ चला गया, नीचे। 20 से 40 कटा कितनी बार, 2 बार, ये 3 - 12 प्लस, और 5 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 10। अब ये प्लस के 10 और ये प्लस के 3, तो 10 और 3 कितने 13, 13 में से 12 चले गए तो बचा कितना आपके पास 1, 13 में से 12 चले गए तो आंसर कौन सा, ऑप्शन बी 1 जो है वो हमारा क्या आएगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जल्दी से सॉल्व करें इसको भी आप, क्या क्वेश्चन है 18, उसके बाद बोला है प्लस, प्लस को देखिए क्या बोला है, प्लस किस चीज को शो करता है, डिवाइड को, आपने डिवाइड लगा दिया। उसके बाद है 2 * 2 और मल्टीप्लाई को देखिए क्या बोला है, मल्टीप्लाई चेंज किया है माइनस में, ठीक है जी, माइनस में कर लिया। उसके बाद 30, उसके बाद है डिवाइड, तो डिवाइड को क्या बोला है प्लस, प्लस के 6 और उसके बाद माइनस के 4, तो माइनस को बोला है गुणा, गुणा के 4। जल्दी से आप डिवाइड करें, सबसे पहले 2 से 18 को जब आपने भाग किया कितना आया 9 आया, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप इसको अपॉन में भी लेकर कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पे अगर दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप इस चीज़ को इस वे में भी लिख सकते हैं, इस डिवाइड का मतलब यही होता है। उसके बाद माइनस के कितने हैं 30, प्लस के 6 और गुणा के 4, 2 से 18 कट गया कितना आ गया जी 9, माइनस के 30, प्लस के 6, गुणा के 4। अब बोर्ड मास में ये देखिए BODMAS, तो हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब बारी किसकी, मल्टीप्लाई की, तो पहले 6 * 4 करेंगे कितना आएगा जी, 6 को 4 से गुणा किया कितना आ गया जी 24 आ गया, ठीक है जी 24 आ गया यहाँ पे। उसके बाद जब हमारे पास 24 आ गया, आप इसको ऐड कर लें, 24 और 9 कितने, 24 और 9 कितने हो जाते हैं हमारे 33, 33 में से 30 चले गए तो बचे कितने 3, तो ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी 3 जो है वो राइट आंसर इसका हमारा रहेगा। अगला प्रश्न है, जल्दी से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। पेड क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, रीजनिंग में अभी जो है वो आपको सीरीज का पूरा कंप्लीट चैप्टर जो है वो अभी तक आपका हो चुका है। उसके साथ में आपकी कोडिंग डिकोडिंग की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हैं, आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी पेड क्लासेस में। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बताएं विजयपथ एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, और उसमें आप कोर्स के ऊपर जाके लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। वैसे लाइव हमारी चलती हैं, लेकिन अगर लाइव आप ना देख पाएं तो वो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस में चली जाती हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं कि आप हमारे से जो है वो पेड क्लासेस जो है वो आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल ब्रीफली स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट लेवल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। अगला प्रश्न आप जल्दी से सॉल्व करिए, क्या इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 माइनस के 6, तो माइनस को बोला गया है गुणा, ये आपने लिखा 6, उसके बाद प्लस के 4, तो प्लस को बोला गया है डिवाइड, यहाँ पे आ गया 4, फिर इंटू 10, इंटू को क्या बोला है मल्टीप्लाई को बोला है माइनस, और 10। ये आपके बाइलैंगुअल में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सिंबल जो है वो आपके एज इट इज चलते हैं। प्रदर्शित करने का मतलब है शो करना, या आपको लिखा गया है कि कोई एक निश्चित कोड है, कोई एक कोडिंग है, भाषा मतलब लैंग्वेज है, जिसमें माइनस को क्या बोला गया है मल्टीप्लाई बोला गया है, डिवाइड को प्लस बोला गया है, तो इसमें आपको कोई भी हिंदी इंग्लिश की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को ओपन करूंगा, 12 * 6
और 4 चला जाएगा नीचे, माइनस के 10 प्लस के 16, 4 से 12 कटा मेरा कितनी बार, 3 बार, 6 को 3 से किया कितना गया 18, माइनस के 10 प्लस के 16, तो 18 में से 10 चले गए, बचे कितने जी 8 बचे, प्लस के 16, 16 और 8 कितने जी 24, तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन सी 24 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके पास 24, उसके बाद है डिवाइड, तो डिवाइड आपका चेंज किया गया है किसमें, प्लस में, उसके बाद है 14, फिर है माइनस के 5, माइनस है आपका किसमें मल्टीप्लाई में 5, उसके बाद प्लस के 10, तो प्लस किस चीज में जी, प्लस है आपका डिवाइड में, डिवाइड के 10 और इंटू 14, इंटू का मतलब है माइनस के 14। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जल्दबाजी में आपका जो पेपर है वो आपका ऑनलाइन होगा, तो जल्दबाजी में आप इस क्वेश्चन को गलत ना करें, यह चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैंने लिखा 24 प्लस के 14 मल्टीप्लाई 5, ये जाएगा डिवाइड नीचे माइनस के 14, कटिंग करेंगे 5 से कटा 2 बार, 2 से कटा ये 7 बार, बचा कितना हमारे पास, ये बचा 24 प्लस के 7 माइनस के 14, ऐड के लिए कितना आ जाएगा 24 और 7 कितने 31, 31 और माइनस के कितने 14, 31 में से आपको क्या करना है 14 जो है वो आपको कम करने हैं, तो 31 में से जब आपके 14 चले गए तो बचे कितने जी, आपके पास बचे 17, तो ऑप्शन कौन सा जी, ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जल्दी से अगला प्रश्न आपके पास लग चुका है, क्वेश्चन को आप ट्राई करें क्या राइट आंसर होगा इसका, यहाँ पे ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि पेड क्लासेस हैं, तो जब भी आप किसी चीज के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है आप उस चीज का पूरा बेनिफिट जो है वो लें, बिल्कुल निचोड़ जो है वो उस चीज का आप निकालें। जैसे इंटरनेट का जब आप रिचार्ज करवाते हैं तो कंपनी से आप पूरी की पूरी वसूली करते हैं, वैसे ही इन पेड क्लासेस का पूरा इंजॉय आप करें, इंजॉय के साथ आप पेड क्लासेस को देखें, अपने नोट्स बनाएं, आप खुद एक हफ्ते के बाद महसूस करेंगे कि जो टॉपिक मेरे को क्लियर नहीं होता था वो अब मेरे को जो है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगा है। वीडियो को जब आप एक या दो बार अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आपको खुद ब खुद जो है वो जब आप दूसरी तीसरी बार इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई आपका चेंज है किसमें, डिवाइड में जी, उसके बाद है आपके पास 63 और यहाँ पे है डिवाइड बाय 2, डिवाइड किस में चेंज है, डिवाइड आप देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ गलती कर दी, हाँ यहाँ पे कुछ गलती की मैंने लिखने में, वो थोड़ा सा एक मिनट क्लेरिफाई करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 49, उसके बाद है माइनस, तो माइनस यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे देखिए माइनस का अर्थ है क्या जी, डिवाइड, ठीक है जी डिवाइड आ गया, उसके बाद है 7, फिर यहाँ पे 63 और यहाँ पे 2, यहाँ पे है आपके पास मल्टीप्लाई, यहाँ पे है डिवाइड, तो 7 गुणा 63, गुणा को क्या बोला गया है, गुणा को देखिए, गुणा का अर्थ है, गुणा का मीनिंग क्या है, प्लस है जी, यहाँ पे आ गया प्लस, तो गुणा तो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, इसको हम रब करते हैं। उसके बाद डिवाइड को क्या बोला गया है, डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस है, यहां पे क्या लगा दिया हमने, यहां पे लगा दिया माइनस, इस चीज को हमने कट कर दिया। अब यहां पे आप एक चीज और देखें, आपको एक चीज बोला गया है प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी तो प्लस है ही नहीं, तो फिर हम उस प्लस का यूज नहीं करेंगे, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। कई बार आपको एग्जामिनर ने पजल करने के लिए जो है वो क्वेश्चन दिया होता है, तो उस तरीके से भी आप इस चीज को सॉल्व करें, ध्यान में कुछ बातें जो है वो आपको रखनी है। 7 से कटा 7 बार, प्लस के 63 माइनस के 2, कितना आ गया जी आंसर बताएं आप, यहाँ पे खुद चेक करें कितना आपका आंसर आएगा, 7 में से आपके 2 चले गए, बचे जी कितने 5 बचे 63 और प्लस के 5 कितने हो जाते हैं जी 68,
68 जो है वो हमारा ऑप्शन डी, वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा जी। अगला प्रश्न करें आप जल्दी से, क्या राइट आंसर है इसका, साथ साथ में आप सॉल्व करते चलें, मेरे से ज्यादा स्पीड जो है वो आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। वीडियो को जो है आपको पॉज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर आपकी सिंपलीफिकेशन यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 126, फिर है मेरे पास गुणा के 3, फिर है डिवाइड 10 माइनस के 6 बराबर है, जल्दी से आप करिए सॉल्व, 126 फिर 3 फिर 10 और 6। इस गुणा का मतलब क्या है, यहाँ पे ढूंढिए गुणा का मतलब क्या है, डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड लगा दिया। इस डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है जी, मल्टीप्लाई। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, क्या आएगा, 126 एज इट इज, 3 जाएगा कहाँ पे, नीचे, गुणा के 10 और प्लस के 6। ध्यान में आपको रखना है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, तभी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। 3 से कटेगा, 4 तिया 12, 3 दुने 6 42, गुणा के 10 और प्लस के 6। अब यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी है, आपने ऐसे नहीं लिखना है कि 42 गुणा 10 और 6 कितने हो गए, 16। आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे बोर्ड मास का यूज नहीं किया। आपको पहले क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस 42 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इस 42 को 10 से गुणा करेंगे, तो कितना आंसर आपके पास आएगा, 420, और प्लस के 6 अलग बचे तो आंसर कितना आएगा, 426, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगला प्रश्न आपके पास लग चुका है, इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करिए, इजी सा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए आपका क्वेश्चन। 12 एज इट इज है, उसके बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के सिंबल को क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड। पजल नहीं होना है आपको क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है, और ऑनलाइन का सबसे बड़ा डर वो है आपका टाइम, तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6 से 12 डिवाइड करेंगे, 2 2 और 4 कितने, 6। ऑप्शन सी मेरे दोस्तों, ऑप्शन सी आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न करें, अगला प्रश्न जल्दी से, अगला प्रश्न आपके पास क्या है, सॉल्व करिए, क्या है आपके पास, 78 माइनस के 13, माइनस का अर्थ ढूंढिए, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा 13, फिर प्लस के 6, तो प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे ढूंढिए, प्लस का मतलब है डिवाइड। एक भी सिंबल अगर ऊपर नीचे हुआ, 19-21 का फर्क आया, तो मतलब कि क्वेश्चन में भी 19-21 का फर्क आएगा ही आएगा, और फिर वो आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिवाइड को क्या बोला है, डिवाइड को बोला है माइनस के 23। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या आएगा जी, 78 गुणा 13, नीचे आएगा 6 और प्लस के 7 माइनस के 23। अब 6 से 78 कट जाएगा, कितनी बार कटता जी, पहाड़े आने चाहिए, टेबल, 13 6 के 78, यहाँ पे गुणा 13 प्लस के 7 माइनस के 23। पहले बोर्ड मास में करेंगे गुणा, 13 गुणा 13 मतलब कि 13 का स्क्वायर 169 प्लस के 7 माइनस के 23। पूरी वैल्यू को सॉल्व करें, कितना रिजल्ट आएगा, 153। कौन सा जी ऑप्शन, ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन को ट्राई करें आप जल्दी से, क्या आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सॉरी मैं पेन थोड़ा सा अलग लेता हूं, ग्रीन कलर का। क्या है आपके इस प्रश्न में, 54 मल्टीप्लाई बाय 9
मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, ठीक है जी, डिवाइड लगा दिया, नो। आगे है माइनस के तीन, माइनस के तीन, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है प्लस। फिर भाग का चार, भाग का मतलब है माइनस के चार। जल्दी से सॉल्व करें, क्या आंसर आएगा, 9 से कटता है 56, गलती तो नहीं हुई, चेक करें, चेक करिए, चेक करिए, गलती तो नहीं हुई कहीं पर। प्लस माइनस गुणा भाग, जल्दी से सॉल्व करें क्वेश्चन को। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास आएगा 54 डिवाइड बाय 9 प्लस के 3 माइनस के 4, 9 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार जी, प्लस के 3 माइनस के 4, तो यहाँ पे 6 और 3 कितने, 9, 9 में से जब 4 चले गए तो बचे कितने जी, 5। ऑप्शन बी, फिर से ऑप्शन बी ही आया, ऑप्शन बी आपका 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप देखें क्या बोलता है अगला प्रश्न। 825 एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है जी, लिख लिया मैंने 825। उसके बाद है इनटू के 25, यानी कि गुणा के 25। गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है भाग, भाग के 25 लिख लिया। माइनस के 27, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है प्लस, ठीक है जी, प्लस के 27। और भाग के 10, भाग का मतलब है माइनस के 10। सॉल्व करें क्या आंसर आएगा, 825 एज इट इज, 25 जाएगा नीचे, प्लस के 27 माइनस के 10। अब आपको क्या करनी है, कटिंग करनी है, तो कटिंग आपको कैसे करनी है, पजल नहीं होना है, क्योंकि बच्चे कई बार ट्रिक की चक्कर में जो है वो अपना एक नंबर जो है वो गवा देते हैं। सबसे बेसिक मेथड से आप कटिंग करें, क्योंकि मैं हर बार स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, ट्रिक के पीछे आप जितना मर्जी भाग लें, लेकिन तसल्ली जो है वो इसी मेथड से होती है, तो इसी मेथड को हम भी फॉलो करेंगे। किसके लिए, तसल्ली के लिए। आपको पता है कि आज जब भी आपको गुणा करने के लिए बोला जाएगा, 19 को 18 से गुणा करना है, आपके पास दुनिया भर की ट्रिक्स हैं, लेकिन मैं इसी मेथड को फॉलो करता हूँ, क्योंकि क्या होता है, इससे तसल्ली इसी मेथड से होती है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, तसल्ली को पूरा करने के लिए आप इस मेथड का यूज करें। कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा, 75 बार, 12, और 12 में से 5 चले गए, 12 में से कितने चले गए, 5 चले जाएंगे। माइनस करें कितना आंसर आएगा, ये आ गया 7, यहाँ पे बचे कितने 5, और 25 थे यहाँ, फिर से कितने 75, तो कितना आया 33 आया कट करके, ठीक है जी, मैंने काट दिया, सॉरी, यहाँ पर आ गया ये कितना 33, और प्लस के कितने, ये आ गया मेरा 27 माइनस के 10। जल्दी से ऐड करें, ये आगे 30, और 30 कितने हो जाते हैं 60 माइनस के 10, 60 में से 10 चले गए, आंसर कितना, आंसर आ गया 50। ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन बी है, तो लगभग सभी क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर क्या आ रहे हैं, ऑप्शन बी ही आपके पास निकल के आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्या राइट आंसर है इसका, यहाँ पे है 56, उसके बाद है डिवाइड बाय 8, तो डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है माइनस के 8 प्लस के 12, प्लस का मतलब है गुणा 12, फिर माइनस के 72, माइनस का मतलब है प्लस, यहाँ पे लिख दिया मैंने 72। अब सॉल्व करिए क्या राइट आंसर आएगा, पहले आपको क्या करना है, गुणा करनी है, 8 को 12 से गुणा करें, 8 गुणा 12 कितने, 12 अठे 96 प्लस के 72। अब सॉल्व करिए, पहले क्या करना है, 72
और 56 को क्या करना है, ऐड करना है, 6 और 2 8 और 7 और 5 कितने 12, 128, 128 में से कितने कम करने 96 कम करने, कम कर दीजिए 8 में से 6 चले गए 2, 12 और 3 कितने आ गए 32। ऑप्शन कौन सा जी, ऑप्शन ए आ गया जी, ए आ गया हमारा, पहली बार ऑप्शन ए है यहाँ पे निकल के आया है, तो ऑप्शन ए 32 इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके पास दिया गया है, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को जल्दी से आप, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहां पे चेंज करना है आपने 9 3 72 6 और 3, क्या बोला गया है आपको, सबसे पहले है प्लस के 3, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है गुणा, यहाँ पे गुणा लगा दिया। फिर माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है प्लस, ये दिया है माइनस का मतलब है प्लस। फिर गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है डिवाइड। ये सिर्फ आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहता है, मतलब कि डायरेक्ट आपको सॉल्व नहीं करना है, आप कम से कम इसमें 5 सेकंड तो सोचने के लिए लगाएंगे और एग्जामिनर इसी चीज का फायदा जो है वो उठाता है। डिवाइड का मतलब क्या है, माइनस। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 6 से 72 हमारा कट जाता है कितनी बार जी, 12 बार, 9 गुणा 3 प्लस के 12 माइनस के 3, 9 त्या कितने 27 प्लस के 12 माइनस के 3, तो 27 और 12 कितने हो जाते हैं हमारे, आप यहीं से कर सकते हैं, 27 और 12 39, 39 में से 3 चले गए तो कितने बचे 36। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा देखने में काफी हार्ड लेवल का, 234 तक वैल्यू यहां पे पहुंचाई गई है उस तरीके से, तो ज्यादा बड़ा तो नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, यहां पे लिख लिया हमने 234। फिर है क्या है, गुणा के 9, गुणा का मतलब है डिवाइड बाय 9, माइनस नहीं है यहां पे, यहां पर है आपके पास क्या, माइनस के 12, तो माइनस का मतलब क्या बोला गया है, प्लस के 12, उसके बाद है प्लस के 4, प्लस का मतलब है गुणा के 4। सॉल्व करें, 234 को 9 से भाग दें कितना आंसर आता है, चेक करते हैं यहां पे, तसल्ली के लिए फिर से उसी मेथड का यूज करेंगे, 9 को 2 से किया 18 और यहाँ पे बचे कितने हमारे पास 5 और ये आ गया 4, 6 से जाएगा 26 प्लस के 12 गुणा के 4, 26 एज इट इज प्लस 12 को 4 से करेंगे कितना आता है जी 48, 26 और 48 फिर से क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो आप अपनी क्लैरिटी के लिए हमेशा बेसिक मेथड का यूज करें, क्योंकि अगर ये फ्री का क्वेश्चन भी अगर आपका गलत है, फ्री के नंबर भी अगर आप अपने हाथ से गवाते हैं, तो फिर आपके लिए क्या है, मुश्किल जो है वो आने वाली है। तो आंसर क्या है जी, 74, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न करें जल्दी से, क्या इस क्वेश्चन का है आंसर, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को यहां पे लिखूंगा, यहां पे क्या दिया गया है 27, उसके बाद है आपके पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को चेंज करना है आपने, मल्टीप्लाई का बताया गया आपको क्या डिवाइड, ठीक है जी डिवाइड लिख लिया, उसके बाद है 3, डिवाइड को बताया गया है माइनस, फिर आ गया 30, फिर है प्लस के 5, प्लस को बोला है गुणा, फिर है 5 और उसके बाद है माइनस 125, माइनस को बोला है प्लस, तो 125 मैंने जल्दी से लिखा, जल्दी से सॉल्व करिए, 3 से 27 कटा कितनी बार भाग देंगे 9, माइनस के 30 गुणा 5 प्लस के 125, ठीक है जी 9 माइनस गुणा करिए कितना आएगा 150 प्लस के कितने 125, ठीक है। अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस के 150 एज इट इज रखे, 125 और 9 दोनों को ऐड करते हैं कितना जी 134, प्लस माइनस माइनस 150 में से 134 गए 16 और बड़ी रकम कौन सी है 150 वाली, तो इसका मतलब है माइनस का सिंबल यूज करेंगे इसके साथ, माइनस 16
हमारा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहां पर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है अगला प्रश्न। गुणा का मतलब क्या है, अगला क्वेश्चन करें आप। गुणा का मतलब है डिवाइड, उसके बाद है 16, 16 के बाद भाग, भाग का मतलब है माइनस। यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें गिवन है, भाग का मतलब है माइनस, फिर 4, फिर प्लस के 2। तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है गुणा 2, और उसके बाद है माइनस के 8, माइनस का मतलब है प्लस के 8। सॉल्व करें जल्दी से, 80 ये आएगा 16 नीचे, माइनस के 4 गुणा 2 प्लस के 8। 16 से हमारा 80 कटेगा, 16 पंजे 80, माइनस के 4 को 2 से किया 8 प्लस के 8, प्लस माइनस माइनस कट गया, तो राइट आंसर हमारे पास क्या बचा, 5 ही हमारे पास राइट आंसर बचा। अगला क्वेश्चन आप करें, बल्क में आपके क्वेश्चन यहां पे करवा रहा हूं मैं, आपको ध्यान आपको रखना है, क्योंकि जिस चीज के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस चीज का पूरा निचोड़ जो है वो निकाल के लेके जाएं। तो 72 एज इट इज है, उसके बाद है गुणा। तो गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब आपके पास डिवाइड, डिवाइड फिर आ गया 9, उसके बाद है माइनस के 14, तो माइनस का मतलब है प्लस के 14, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है गुणा, गुणा के 2। जो सिंबल नहीं दिया गया है उस सिंबल का यूज ना करें, ये नीचे चला जाएगा और 14 इंटू 2 एज इट इज रहेगा, ये कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, प्लस के 14 इंटू 2 कितना आएगा, ये आएगा 28, 28 और 8 कितने, 36। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए आप क्या कहता है अगला प्रश्न। सिंबल को चेंज करना है, 550 गुणा को चेंज किया किसमें, भाग में 22 एज इट इज, माइनस को चेंज किया किसमें, प्लस में 24 एज इट इज, और प्लस को चेंज किया किसमें, गुणा में, तो गुणा के 3। सॉल्व करें, 550 डिवाइड बाय 22 प्लस के 24 गुणा 3। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 22 से 11 से आप काट दें, 11 को 2 से किया, 11 को 5 से किया 50, 2 से 50 कटा कितना, 25, प्लस के 24 गुणा 3, 24 को 3 से करेंगे कितना आएगा, 72, 72 और 25 कितने होते हैं, 97। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न करें आप, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, इसका तो आपका आंसर जो है वो अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए 97 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न आप करें, ये आपके पास क्वेश्चन है 14 वाला, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। क्या राइट आंसर होगा हमारा, सिंबल को आपको चेंज करना है, बाकी इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, बस स्पीड आपको ध्यान में रखनी है कि स्पीड के चक्कर में आप गलती ना करें। मल्टीप्लाई का आपका चेंज है सिंबल प्लस में, 12 एज इट इज, माइनस है आपका गुणा में, फिर 16 एज इट इज, फिर डिवाइड 18 मतलब कि माइनस के 18। क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी से, प्लस 12 को 16 से गुणा करना है, 12 गुणा 16 कितने, 192, माइनस के 18, 14 एज इट इज, और अब मैं इसको जो है वो डायरेक्ट ऐड ही कर दूंगा यहां से, 192 और 14 कितने होते हैं, या फिर आप माइनस कर सकते हैं, माइनस इजी है आपके लिए यहां पे साथ में, तो 192 में से 18 चले गए तो 174, और 174 और 14 कितने, 188। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का भी सही आंसर रहेगा।
अगला प्रश्न है, यहाँ पे इस ये जो बर्ड लिखा गया है आशे, आशे का मतलब है रिलेट करता है उससे, वो प्रदर्शित है उस चीज को, शो कर रहा है ये। तो इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करें क्या राइट आंसर होगा इसका। ये है 48, उसके बाद है 16, प्लस था, तो प्लस का मतलब क्या है देखिए आप यहाँ पे, प्लस से आशय क्या है डिवाइड, तो इसका मतलब डिवाइड, डिवाइड में इसको चेंज करेंगे। उसके बाद है 16 इंटू 4, इंटू का मतलब क्या है, इंटू से है आपका क्या प्लस के 4, माइनस के 2, तो माइनस का किससे है, माइनस का है आपका किससे, मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 8, डिवाइड जो है वो है आपका माइनस के 8 से। अब सॉल्व करें, ये आपका कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, प्लस के 4 को 2 से किया 8, माइनस के 8, प्लस माइनस माइनस, राइट आंसर क्या आया आपके पास 3, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न करें आप जल्दी से, क्या सही आंसर है इस क्वेश्चन का, फिर से आप सिंबल को चेंज करें यहां पे, 2 एज इट इज है, पहले सिंबल आपका आएगा प्लस का, फिर 6, फिर आएगा डिवाइड 6, उसके बाद सिंबल चेंज किया तो आएगा प्लस के 2। आपने सिंबल चेंज करने हैं, ऊपर आपको दिया गया है कि इस प्लस को किस में चेंज करना है, माइनस में, माइनस का मतलब है गुणा, गुणा का मतलब क्या है भाग है, और भाग का मतलब क्या है प्लस है, तो सिंबल को आप चेंज करें, 2 एज इट इज, प्लस 6 को 6 से भाग किया तो आएगा 1, प्लस के 2, 2 एक 3 और 2 कितने 5। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके पास, छत्तीस गुणा के 12, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, गुणा का मतलब क्या है, गुणा का अर्थ है माइनस, ठीक है जी, माइनस के 12, उसके बाद है प्लस के 4, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ क्या है डिवाइड, डिवाइड 4, उसके बाद है भाग 6, भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है प्लस 6, फिर प्लस के 2, तो प्लस का मतलब क्या है, फिर से रिपीट हुआ, प्लस का मतलब क्या है डिवाइड, एक सिंबल आपका दो बार जो है वो यूज किया जा सकता है, माइनस के 3, माइनस का अर्थ क्या है गुणा के 3। अब आया क्वेश्चन आपके हाथ में, 36 माइनस के 12, ये चला जाएगा 4 नीचे, फिर प्लस के 6, फिर 2 चला जाएगा नीचे, गुणा के 3। अब क्वेश्चन इजी है सॉल्व करने के लिए, 4 ते 12, 3 दूने 6, क्या बचा जी, 36 माइनस के 3 प्लस के 3 गुणा 3, 36 माइनस 3 प्लस 3 गुणा 3 कितने होते हैं जी 9, 36 में से 3 चले गए तो बचे कितने 33, 33 और 9 कितने होते हैं जी 42, तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए क्या राइट आंसर है इसका, तो एक सौ 162 गुणा 52 है, लिख लेता हूं मैं इसको, 162 गुणा, गुणा का मतलब क्या है माइनस, ठीक है जी लिख लिया, उसके बाद है माइनस के 26, माइनस का मतलब है डिवाइड बाय 26, फिर है डिवाइड के 15 यानी कि प्लस के 15 और प्लस के 5 यानी कि गुणा के 5। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चन है सिंबल अपनी मर्जी से आप चेंज ना करें, खुद से कन्वर्ट ना करें, क्वेश्चन में आपको गिवन है, अगर कोई सिंबल नहीं दिया गया है उसको एज इट इज रहने देना है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आता है 3 सिंबल को चेंज कर दिया गया है
और किसी एक का नाम नहीं दिया गया है। तो सिंबल के साथ आपने कोई भी छेड़खानी जो है वो नहीं करनी है। 15 को 5 से करेंगे कितना आएगा 75, ये बचा 160, 160 और 75 कितने होते हैं जी, ये आ जाएगा आपके पास 5, 16 और 7 कितने 23, तो 235। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके पास, इस क्वेश्चन को ट्राई करें आप, क्या दिया गया है प्रश्न, ये है आपके पास 30, फिर है प्लस के 20, ब्रैकेट का ध्यान रखें प्लस के 20, तो प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे आप देखिए, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, ठीक है जी, माइनस के 20, फिर आ गया माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आप नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंबल चेंज करना है, माइनस के 5 है, तो माइनस का मतलब क्या है गुणा, तो गुणा के 5, फिर ब्रैकेट लगा दी, फिर आ गया 7, उसके बाद है डिवाइड 3, तो डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है प्लस 3, और आगे है गुणा के 25, तो गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है डिवाइड, डिवाइड के 25। अब आप इस चीज को क्या करें सॉल्व करें, तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास में ब्रैकेट को ओपन करना है, तो पहले इस ब्रैकेट को और साथ में इस ब्रैकेट को ओपन करें, 30 में से 20 चले गए तो बचे कितने 10, गुणा के 5, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आया गुणा के 7 और 3 कितने 10, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास डिवाइड के 25, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या है गुणा, जब ओपन कर देते हैं तो वो गुणा में चेंज हो जाता है, 10 गुणा 5 गुणा 10 और 25 आ जाएगा आपका कहाँ पे नीचे। अब कट करें आप इस चीज को, 5 से कटेगा ये 5 बार, 5 से 10 कटेगा 2 बार, 10 को 2 से गुणा किया तो आंसर क्या, आंसर आ गया हमारे पास 20। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का भी क्या है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपके पास, क्या है अगला प्रश्न, यहां पे कुछ ऑप्शन आपके मिक्स फ्रैक्शन में भी दिए गए हैं, तो ट्राई करें आप क्या इसका राइट आंसर आपका रहेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको जो है वो हर क्लास में होमवर्क के लिए आपको देता हूं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क के लिए रहेगा। सिंबल को चेंज करें, आपका आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे निकल के आना चाहिए, होमवर्क का आपका क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं वहां तक आपके बिल्कुल सही आंसर जो है वो निकल के आए हैं, तो इस क्वेश्चन को भी आप निकाल सकते हैं, आंसर जो है वो इसका 2 आपका यहाँ पे आना चाहिए सिंबल को चेंज करने के बाद। अगला प्रश्न है आपके पास, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्या प्रश्न है 12 माइनस के 8, तो माइनस का मतलब क्या है गुणा 8, फिर है गुणा के 6, गुणा का अर्थ क्या है प्लस 6, फिर माइनस के 4, माइनस का मतलब फिर से गुणा 4, डिवाइड 6, डिवाइड का मतलब है माइनस और फिर 6, फिर है प्लस 3, प्लस का मतलब डिवाइड का 3। अब सॉल्व करें इसको, तो 12 गुणा 8 प्लस के 6 गुणा 4 माइनस, 3 से 6 कटा कितना आ गया जी 2 आ गया, गुणा करेंगे 12 को 8 से किया कितना आएगा 96, प्लस 6 को 4 से किया कितना 24 माइनस के 2। अब इसको ऐड करिए कितना आएगा ये 96 और 4 120 में से आपके कितने चले जाएंगे 2 चले जाएंगे, तो बचा कितना 118। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपके इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर रहेगा, तो 118 जो है वो आपके इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करें क्या राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन है आपके पास 6, गुणा का मतलब क्या है यहां पे दिया गया है, गुणा का अर्थ क्या है प्लस, उसके बाद 4 माइनस, माइनस का मतलब क्या है जी गुणा, ठीक है, प्लस के 2, प्लस का मतलब है डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 1, डिवाइड का मतलब है माइनस 1,
अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 6 प्लस के 4 गुणा 5, दो नीचे, माइनस के 1, 2 से 4 कटा 2 बार, 6 प्लस 5 को 2 से गुणा किया, 5 दूने 10, माइनस के 1, तो कितना आया 6 और 10 16, 16 में से 1 चला गया, तो आंसर कितना 15। ऑप्शन डी एक बार फिर से हमारा क्या है, सही आंसर है 15। आई होप आपको यहां तक जो है वो क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल समझ में आए हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करिए, क्या इसका राइट आंसर आपका रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये। 39, 23, 21 और 5, क्या बोला गया है आपको, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का प्रयोग किसके लिए है, प्लस के लिए, उसके बाद डिवाइड, डिवाइड का प्रयोग किसके लिए है, माइनस के लिए, और उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई, फिर से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का प्रयोग किसके लिए है, प्लस के लिए। सॉल्व करें इस चीज को, प्लस प्लस वाली सारी टर्म को आप पहले ऐड कर लें, ये आपके पास आ गया 39, ये आ गया आपके पास 23 और ये आ गया 5, सबसे पहले ऐड कर लें, कितना आएगा 9 और 3 12, 12 और 5 कितनी 17, तो एक ऊपर जाएगा, 3 2 5 1 6 कितना आ गया 67, 67 में से कितने कम करने हैं, 21 कम करने हैं, तो बचेगा कितना आपके पास 46। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है आज का, ये अंतिम प्रश्न है आपके पास, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, क्या इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख लिया आपका 48, प्लस को क्या बोला है, यहां पे मैं लिख लेता हूं 6, फिर 12, फिर है 2, फिर है 10, यहां पे क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन को ट्राई करें, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को, होमवर्क के लिए आपका ये क्वेश्चन मैं यहां पे आपको एक बार दे रहा हूं। अगली वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।